क्रिमिनोलॉजी की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्राइम व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी तो जब भी बात आती है क्रिमिनोलॉजी की तो सबसे पहले माइंड में आता है क्राइम कि क्राइम आखिर होता क्या है तो क्राइम अनलॉफुल एक्ट होता है अगेंस्ट द सोसाइटी मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाने वाला अनलॉफुल एक्ट जो कि किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी किया जा सकता है और किसी ग्रुप के थ्रू भी किया जा सकता है और क्राइम को डिफाइन किया जाता है एज अ लीगल रॉन्ग जिसके रेमेडी में पनिशमेंट दी जाती है और वी कैन से किसी तरह का कोई एक्ट एंड ऑमिशन जो कि वायलेशन करता हो क्रिमिनल लॉ का उसे भी कंसीडर किया जाता है एज ए क्राइम तो ये तो बात हुई क्राइम की कि क्राइम क्या होता है अब बढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ कि व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी तो क्रिमिनोलॉजी इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग क्राइम एंड क्रिमिनल जो कि क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को कवर करती है जैसे कि क्रिमिनल बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्राइम एटसेट्रा मतलब एक तरह से क्राइम और क्रिमिनल की इनडेप्थ स्टडी होती है क्रिमिनोलॉजी क्योंकि जब क्राइम कमिट होता है तो कुछ ऑपरेशनल फोर्सेस भी होती हैं जो कि उससे सपोर्ट कर रही होती हैं मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफेंडर की पर्सनैलिटी को कि वो क्राइम कमिट करे तो क्रिमिनोलॉजी का मेन पर्पस यही है कि क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू स्टडी किया जाए अब बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी की तरफ तो क्रिमिनोलॉजी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश की है तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड टेफ्ट की डोनाल्ड टेफ्ट के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी वो स्टडी यानी कि अध्ययन है जो कि उन सभी सब्जेक्ट मैटर्स को इंक्लूड करती है जो कि जरूरी हैं क्राइम को समझने के लिए उसे प्रिवेंट करने के लिए साथ ही किस तरह की पनिशमेंट क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं क्रिमिनल्स को सुधारने में जिससे कि वो फ्यूचर में अगेन क्राइम कमिट ना करें तो अब बात करते हैं वेबस्टर की डेफिनेशन की तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि जो प्लांट जिस एनवायरनमेंट में उगता है वो उगने के लिए और ग्रो होने के लिए उसी एनवायरमेंट से खाना पानी लेता है तो उसकी ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है उसके एनवायरमेंट से मतलब एनवायरमेंट काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोथ में तो ऐसे ही जो लोग क्रिमिनल बनते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी से अपने आसपास के एनवायरमेंट से मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफी हद तक रेस्पॅसिबल होते हैं तो वेबस्टर की डेफिनेशन यही बताती है क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना मतलब जो लोग क्राइम कमिट करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं उन पे सोसाइटी का उनके आसपास के एनवायरमेंट का काफी इन्फ्लुएंस होता है साथ ही क्रिमिनोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी की जाती है क्रिमिनल्स की उनके मेंटल ट्रेड्स की कि कैसा उनका बिहेवियर है क्या उनकी हैबिट्स हैं किस टाइप का उनका डिसिप्लिन है तो मतलब सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की साइंटिफिक स्टडी की जाती है क्रिमिनोलॉजी में ताकि क्राइम की एक्चुअल कॉजेज को समझा जा सके और उसे कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सके अब बात करते हैं एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी वो बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि क्राइम को एज अ सोशल फिनोमिना कंसिडर करती है मतलब जो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं उनका बिहेवियर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी से उनके आसपास के एनवायरनमेंट से सोशल फैक्टर्स काफ़ी हद तक रेस्पॅॉन्सिबल होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के लिए इसके अलावा लॉ क्यों बनाए जाते हैं क्या प्रोसेस होता है लॉ बनाने के लिए तो जैसा कि लॉ बनाए जाते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए तो वो ऐसे कौन से एक्ट होंगे जिन्हें की क्राइम कंसीडर किया जाएगा और आखिर क्यों और कैसे लॉज को ब्रेक किया जाता है क्या कॉजेज होती हैं कि लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं और लॉज को ब्रेक करते हैं और जब लॉ ब्रेक होते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज का क्या रिएक्शन होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या रिएक्शन होता है सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है क्या स्टेप्स लिए जाए की लॉज को लोग कम से कम ब्रेक करें की कि किस तरह की सेंक्शन लगाई जाए क्या प्रोसेस एडोप्ट किया जाए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कि किस तरह से क्रिमिनल्स की रिफॉर्मेशन की जाए और उन्हें फिर से सोसाइटी में रिहेबिलिटेट किया जाए तो क्राइम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स को यूज किया जाता है और एक प्रॉपर रिसर्च करके डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि क्राइम के हर एक एस्पेक्ट को बारीकी से समझा जा सके और इफेक्टिव मेथड्स को यूज किया जा सके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तो सदरलैंड की डेफिनेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को भी डिफाइन किया गया है इसके अलावा अगर बात करें क्रिमिनोलॉजी के नेचर की तो क्रिमिनोलॉजी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी है क्राइम की ताकि क्राइम की कॉजेज को बारीकी से समझा जा सके और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स को यूज किया जा सके मतलब क्रिमिनल बिहेवियर की साइंस है क्रिमिनोलॉजी अब बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी के स्कोप की क्रिमिनोलॉजी में किन किन एरियाज पे फोकस किया जाता है तो सबसे पहले बात आती है कि क्राइम आखिर होता ही क्यों है

मतलब किस पर्टिकुलर क्राइम के रिगार्डिंग सोसाइटी किस टाइप से रिएक्ट करती है क्योंकि किसी क्राइम के प्रति सोसाइटी का रिएक्शन जितना ज्यादा बड़ा होता है उस क्राइम को उतना ही ज्यादा बड़ा कंसिडर किया जाता है और उसी हिसाब से फिर उसकी पनिशमेंट भी होती है इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी में टाइप्स ऑफ क्राइम को भी स्टडी किया जाता है कि किस किस टाइप के क्राइम होते हैं लाइक ऑर्गेइज क्राइम प्रॉपर्टी क्राइम व्हाइट कलर क्राइम एटसेट्रा और साथ ही टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को भी स्टडी किया जाता है कि किस किस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल ओकेजनल क्रिमिनल है और डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या मेथड्स मैथ किए जाएं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या इफेक्टिव मेथड्स होंगे इन्वेस्टिगेशन के कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और एविडेंसेस को प्रॉपरली कलेक्ट किया जा सके इसके अलावा पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है रिफॉर्मेशन के लिए की क्राइम फर्स्ट टाइम कमिट किया गया है या फिर वो हैबिचुअल है क्राइम करने के लिए क्योंकि पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है जिसे कि हम नेचर एंड नर्चर या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट भी कह सकते हैं तो हेरिडिटी तो फिक्स होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते लेकिन एनवायरमेंट डायनामिक इन नेचर होता है तो इसीलिए एनवायरमेंट को चेंज करके रिफॉर्मेशन की जा सकती है जिसमें कि करेक्शनल इंस्टीट्यूशन काफी अहम भूमिका निभाते हैं जैसा कि क्रिमिनोलॉजी में क्राइम के कॉजेज को तो बारीकी से समझा ही जाता है लेकिन साथ ही साथ क्राइम रेट को भी एनालाइज किया जाता है कि किस टाइप के एनवायरमेंट में क्राइम रेट ज्यादा होता है और किस टाइप के एनवायरमेंट में क्राइम रेट कम होता है तो जहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है वहां पे एनवायरमेंटल किस टाइप की हैं हैं कैसे लोग पे फेस कर रहे है? कि क्या वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्राइम कमिट करते हैं या कोई और रीजन है कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और क्रिमिनल लॉ के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को भी स्टडी किया जाता है क्रिमिनोलॉजी में जैसा कि क्रिमिनल लॉ में डिफाइन किया जाता है रूल्स रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड मेथड्स ऑफ पनिशमेंट एंड ऑरिजिन को भी स्टडी किया जाता है जैसा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रिमिनल ऑरिजिन बनने में कुछ सेकेंड लगती है तो ऐसे कौन से इन्फ्लुस होते हैं कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्राइम इतना स्पीड से डेवलप होता है कि आखिर किस तरह से क्रिमिनल बिहेवियर की शुरुआत होती है कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं लाइक फैमिली बैकग्राउंड सोशल इन्फ्लुएंस अनएम्प्लॉयमेंट पोवर्टी कि किस टाइप के क्राइम के लिए किस टाइप की पनिशमेंट इफेक्टिव होगी कि अपनी सजा को पूरी करने के बाद वो पर्सन फिर से क्राइम कमिट ना करे और सोसाइटी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि और लोग भी क्राइम कमिट ना करें मतलब पनिशमेंट का फियर हो और किसी भी क्रिमिनल की पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद उसे किस तरह से फिर से सोसाइटी में रिहेबिलिटेट किया जाएगा क्योंकि जब कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो सोसाइटी उसे खुद से अलग कर देती है मतलब लोगों की नजरों में उसकी जो इमेज है वो एक क्रिमिनल वाली बन जाती है तो किस प्रोसीजर के तहत उसे वापस से फिर से सोसाइटी में रिहेबिलिटेट किया जाएगा इसके अलावा क्रिमिनल इटोलॉजी मतलब क्राइम के कम्पलीट स्ट्रक्चर को समझना उसके कम्प्लीट प्रोसीजर को जानना कि क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे की कम्प्लीट साइकोलॉजी क्या है कि किस तरह से क्राइम का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से क्रिएट होता है और फिर कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी ग्रोथ में और क्या मेथड किन टेक्निक्स के थ्रू क्राइम के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जा सकता है इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनका क्या इफेक्ट है क्राइम पे क्या वो क्राइम को रिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं क्योंकि अगर लोगों में डर ही नहीं होगा किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए अगर लोग वायोलेशन कर रहे हैं लॉ का तो मतलब वो लॉ इफेक्टिव नहीं है उसे चेंज करने की जरूरत है इसके अलावा जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं वो हर तरह के केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करते हैं मतलब हर केस को बारीकी से समझते हैं उसके रूट कॉजेज को समझने की कोशिश करते हैं मतलब एक प्रॉपर रिसर्च करके डाटा कलेक्ट किया जाता है जिससे कि क्रिमिनल बिहेवियर को समझा जा सके और प्रॉपर रिसर्च के बाद थ्योरीज फॉर्मुलेट की जाती हैं जो कि इंस्टीट्यूशन को हेल्प करती हैं क्राइम को कंट्रोल करने में और जो ऑलरेडी क्रिमिनल बन गए हैं उन्हें उन्हें रिफॉर्म करने में, उन्हें करने में में और लेजिस्लेटिव बॉडीज लॉ एजेंसीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक्टिविटीज को उनके फंक्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाता है कि इन सब के थ्रू क्या स्टेप्स लिए जाते हैं क्या मेथड्स एडोप्ट किए जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कि किस टाइप के लॉ किस टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे की इफेक्टिवली क्राइम को कंट्रोल किया जा सके तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज क्राइम व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी